हेलो एवरीवन, अभी तक हमने डिफरेंट प्रॉब्लम्स देखी जिसमें कि हमें वेवफॉर्म दी होती थी, एक सिग्नल दिया होता था, उसका हम एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करते थे और फिर उसके बाद हम फोरियर सीरीज उसकी फॉर्म करते थे। हमें फंक्शन की वेवफॉर्म को देख के ये थोड़ा सा आइडिया लग जाता था कि सीरीज किस टाइप की है, इवन सीरीज है कि ऑड सीरीज है। यदि आपको डायरेक्ट फंक्शन दिया हुआ है, उसका एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, उसकी फोरियर सीरीज आप किस तरह से फॉर्म करेंगे? फंक्शन को देख के क्या आपको समझ में आ रहा है ये फंक्शन इवन है या ऑड है? नहीं आ रहा, तो अब हम क्या करेंगे, हम चेक लगा के देखते हैं कि ये इवन है या ऑड है। सबसे पहले मैंने इसको बोल दिया कि इक्वेशन 1 है, इसको रीराइट करती हूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई प्लस एक्स माइनस पाई टू 0। ठीक, यहाँ मैं क्या करती हूँ, एक्स की वैल्यू एक्स की जगह पे मैं माइनस एक्स लिखती हूँ। चेक करना है यदि हमें, तो हम क्या करेंगे, एक्स की जगह माइनस एक्स लिखेंगे। इसको मैं उल्टा कर सकती हूँ, एफ ऑफ माइनस एक्स, इसको मैं बोल सकती हूँ दिस विल बी इक्वल टू एक्स जो है 0 to, एक्स जो है आपका 0 से 5। ठीक, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है। अपने लिमिट इसको क्या किया, ग्रेटर देन के साइन को, चूंकि ये नेगेटिव था तो इसको हमने उल्टा कर दिया, 0 से हमने इसको इस तरह से गिर दिया। मुझे क्या लिखना है, एफ ऑफ माइनस एक्स विल बी इक्वल टू पाई माइनस एक्स 0 से पाई तक। थर्ड इक्वेशन में इसको लिख देती हूँ, मेरे पास क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स फ्रॉम 0 to 5। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 5 तक। इसे मैंने कह दिया कि इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन में भी मैंने क्या किया, जो मैंने इक्वेशन नंबर 1 में किया था, एक्स की जगह पे माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट किया था, इक्वेशन 3 जो है मेरी, जो सेकंड वाली जो इक्वेशन है मेरी इक्वेशन की, उस पर भी मैं क्या करूंगी, एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स रखूंगी। तो क्या मिलेगा, पाई माइनस माइनस ऑफ एक्स 0 to माइनस एक्स पाई, या फिर एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स विल बी इक्वल टू पाई प्लस एक्स, इसको मैं रिवर्स कर सकती हूँ, इसको मैं लिख देती हूँ माइनस पाई, क्योंकि मैंने यहाँ क्या किया, लेस देन के साइन को कर दिया ग्रेटर देन, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ माइनस पाई। ठीक, या फिर मैं क्या बोल सकती हूँ, एफ ऑफ माइनस एक्स विल बी इक्वल टू पाई प्लस एक्स, इसको मैं कर सकती हूँ, इस चीज को ले ले आती हूँ माइनस पाई एक्स 0। ये मेरी इक्वेशन नंबर 4 आ जाती है। ठीक, अब इक्वेशन 1 जो मेरी निकल के आई है, इक्वेशन 1 कौन सी थी मेरी, ये वाली इक्वेशन 1 जो मेरी है, उसको मैं कंपेयर करती हूँ इक्वेशन नंबर 4 से। इक्वेशन 1 में क्या था मेरा, एफ ऑफ एक्स विल बी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई प्लस एक्स फ्रॉम माइनस पाई टू 0। इक्वेशन नंबर 4 क्या कह रही है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई प्लस एक्स फ्रॉम माइनस पाई टू 0। ठीक, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, इस चीज को यदि मैं भूल जाती हूँ तो क्या दिख रहा है मुझे, पाई प्लस एक्स माइनस पाई से लेके 0 तक, और माइनस एक्स में भी क्या दिख रहा है, पाई प्लस एक्स माइनस पाई से लेके 0 तक। तो इन दोनों इक्वेशंस को यदि मैं कंपेयर करती हूँ, और इन दोनों इक्वेशंस को यदि मैं कंपेयर करती हूँ, तो मैं क्या कंक्लूड करती हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। इसका मतलब हमारा फंक्शन किस टाइप का है, इवन फंक्शन है। जब भी इवन फंक्शन होता है तो हम क्या क्या कैलकुलेट करते हैं, कंपोनेंट्स, a0 कोफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं, और क्या कैलकुलेट करते हैं, an कैलकुलेट करते हैं। bn उस समय पे क्या होता है, हमारा 0 होता है, क्योंकि जो ओवरऑल प्रोडक्ट आपका निकल के आता है फंक्शन का, वो कैसा हो जाता है, ऑड हो जाता है, इसीलिए वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे a0 कैलकुलेट करेंगे, a0 क्या हो जाएगा आपका 1/π माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू 2/π, 0 to π कर सकते हैं, तो इसको कर देते हैं 2/π 0 to π एफ ऑफ एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू 2/π। इसको इंटीग्रेट करते हैं, फंक्शन हमारा क्या है, इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, 0 to π पाई माइनस एक्स डी एक्स विच विल बी इक्वल टू 2/π। इसको अलग से इंटीग्रेट कर देते हैं, दो भागों में बांट देते हैं, 0 to π पाई डी एक्स, यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं, माइनस 0 to π एक्स डी एक्स। इसे इंटीग्रेट करेंगे, हमें क्या मिलेगा, 2/π, यहाँ पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, क्या है, कुछ भी नहीं, 1 है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स या पाई एक्स, लिमिट क्या हो जाएगी, 0 to π माइनस
टू बाय पाई, एक्स है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू जीरो टू, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ फाइनली हमें मिल जाएगा टू पाई माइनस पाई इक्वल टू पाई, ये हमारा क्या हो जाता है ए जीरो हो जाता है। ठीक, तो हमने सबसे पहले यदि हमको कोई फंक्शन गिवन है हमें नहीं पता सीरीज किस टाइप की है, मतलब इवन है हमारा वेवफॉर्म ऑड है, तो हम क्या करेंगे उसको सबसे पहले चेक लगाएंगे। कैसे चेक करेंगे, एक्स विल बी इक्वल टू माइनस एक्स ऐसा सब्सटीट्यूट हम करेंगे, एक्स है या टी है जिसके भी जो भी वेरिएबल आपका यूज हो रहा है उसे हम पहले चेक करेंगे कि फंक्शन इवन है या ऑड है। हमने पहले सबसे चेक कर लिया फंक्शन हमारा कैसा है, इवन फंक्शन निकला, इवन फंक्शन निकला इसलिए हम क्या करेंगे बी एन कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम क्या क्या कैलकुलेट करेंगे ए जीरो कोफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे एंड ए एन कैलकुलेट करेंगे। ए जीरो आप इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ये आपका पाई आ जाता है ए जीरो। अब हम कैलकुलेट करेंगे ए एन, तो अभी हमने ए जीरो कैलकुलेट किया जो कि हमारा क्या आया था पाई। अब चूंकि इवन सीरीज है हम क्या कैलकुलेट करेंगे ए एन कैलकुलेट करेंगे। ए एन कैसे कैलकुलेट करेंगे, वन बाय पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉस ऑफ एन एक्स डी एक्स, यहाँ माइनस पाई टू पाई को यदि मुझे जीरो टू पाई करना है तो मैं टू बाई पाई कर दूंगी इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स कॉस ऑफ एन एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ एफ ऑफ एक्स की जगह अब क्या लिख दूंगी मैं, जीरो टू पाई के लिए क्या है पाई माइनस एक्स कॉस ऑफ एन एक्स डी एक्स, इसे आप इंटीग्रेट करेंगे तो आप इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं, इसके साथ में कॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये एक टर्म हो जाएगी, दूसरी ये हो जाएगी माइनस एक्स लिए माइनस, दूसरी एक्स के साथ में कॉस एक्स ऐसी ये दो टर्म हो जाएगी, इसे आप सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे। इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे, ये फर्स्ट फंक्शन अज्यूम कर लेंगे, इसे इसे सेकंड फंक्शन अज्यूम कर लेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इस तरह से आप इसे इंटीग्रेट करेंगे। इसके बाद लिमिट्स लगा देंगे, लिमिट्स लगाने के बाद में आप क्या पाएंगे ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा, जब आप इसमें लिमिट्स सब्स्टिट्यूट करते हैं जीरो इन पाई तो आपके पास में ये आ जाता है। ठीक है, इसमें हम भी अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास में ये आता है। अब इसे हम जब नोटिस करते हैं तो ए जीरो की वैल्यू ए एन की वैल्यू यदि मैं एन की वैल्यू यदि मैं इवन रखती हूँ तो इवन वैल्यूज के लिए ए एन मेरा जो रहेगा वो जीरो आ जाएगा। क्यों जीरो आ जाएगा, यदि मैंने कॉस टू पाई लिखा, टू पाई मतलब क्या हो जाएगा ये यूनिटी हो जाएगा, यूनिटी होकर तो वन माइनस वन जीरो, तो जितनी भी इवन वैल्यूज रहती है उनके लिए ये टर्म आपकी यूनिटी आ जाएगी, जिसके कारण से आपका होल एक्सप्रेशन जो रहता है ए एन का वो जीरो आ जाता है। इसलिए इवन वैल्यूज के लिए एन की ए एन आपका जीरो रहेगा और ऑड वैल्यूज के लिए एक्सिस्ट रहेगा जो कि इतना आता है। ठीक है, तो फोरियर सीरीज फाइनली हम फॉर्म करेंगे ए जीरो बाई टू, ए जीरो हमारा कितना आया था पाई आया था, तो पाई बाई टू प्लस ये एक्सप्रेशन यहाँ पर एन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज जो कि ऑड रहेंगी, तो 4 बाय पाई हमने कॉमन ले लिया, कॉस ऑफ 1x कॉस ऑफ 3x बाय 9 क्योंकि n स्क्वायर है यहां, प्लस कॉस ऑफ 5x प्लस डिवाइडेड बाय 25 प्लस एंड सो ऑन, इस तरह से आपका फोरियर सीरीज का एक्सप्रेशन आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन यदि आपको आते हैं जिसमें आपको वेवफॉर्म नहीं गिवन होती है तो आप क्या करते हैं चेक करते हैं कि फंक्शन इवन है या ऑड है और फिर उसके आगे आप प्रोसीड करते हैं कि आपको क्या कोफिशिएंट को कैलकुलेट करना है, फाइनली फोरियर सीरीज आप लेकर आते हैं।